करीबन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियरिंग सोलंकी, आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जनरल साइंस में जो आने वाले हैं ALP और उसके लिए भी टेक्नीशियन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ इतनी दी है, मैग्निफिकेशन है कि बी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बी की वैल्यू हम निकाल देंगे आराम से। एक मिनट गाइस, सेल बी हो गया इसका। ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं। यू है हमारा, यू जो है कौन के मिरर है, तो ये क्या होगा, मोस्टली निगेटिव होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं ये 12। एफ हमारे पास कितना दिया है, कौन के मिरर में क्या होगा, एफ हमारा निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कौन के मिरर है तो हमारा 18। ठीक है, तो बस लगा दो मिरर फार्मूला लगाना है, 1/f 1/u प्लस 1/b। ठीक है, 1/f यानी कि 1/18, u की वैल्यू क्या हो गई 1/12, और प्लस है तो 1/b कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या करते हैं, बस थोड़ा सा इधर कर लें इसको, 1/18 में से इस तरफ करेंगे तो 1/12 बराबर क्या हो जाएगा, 1/b। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या 36 लेते हैं, 18 दूनी 36 और 12 3 36। ठीक है, 12 3 36, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है, ठीक है, तो 1/36 बच रहा है हमसे, क्या पूछना चाह रहा है, मैग्नीफिकेशन। अच्छा, मैग्नीफिकेशन पूछना चाह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, माइनस का 1/36 है, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 36 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई है मैग्नीफिकेशन। एक्चुअल में होता क्या है, एम इजकल टू माइनस का बी अपॉन यू होता है। ठीक है, तो बी की वैल्यू माइनस का है तो ऑलरेडी माइनस की, तो प्लस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 12 3 36 पर, लेकिन यू तो मेरा नेगेटिव है, तो यानी कि क्या आएगी, नेगेटिव में 3 आनी चाहिए, ऑप्शन है कोई, हाँ नेगेटिव में 3 है, तो ऑप्शन हमारा ये हुआ, नेगेटिव का 3। ठीक है, ये है मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आपने देखा होगा गांव में जब ये कलई जो बोलते हैं वो यही होता है, असेंशियल एलिमेंट बॉन्स इन प्रेजेंट। देखो, बॉन्स में भी प्रेजेंट है, यानी कि वो कैल्शियम की बात कर रहे हैं, हमारी हड्डियों में क्या है, मैं आपसे सिंपल पूछूं आपकी हड्डियों में क्या है, बॉन्स में क्या है, तो आप क्या कहोगे कि सीधी सी बात है, वहां पर तो क्या है आपकी, कैल्शियम प्रेजेंट है। ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इज फॉर्म सॉल्यूशन विच टर्म रेड टू ब्लू, अगर एक सॉल्यूशन बात के साथ क्या वो कर रहे हैं, आर से रेड लिटमस से क्या हो रहा है हमारा, ब्लू हो रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई द एक्स, एक्स में क्या है, तो एक्स हमारा क्या हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड है, एक्स हमारा क्या हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, और सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको सेक्लेन ड्राइम भी बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा, हीट, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और देखो ये क्या हो रहा है, रेड से ब्लू हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो फॉर्म होगा इसको, ये क्या है, अल्कली है, और ये जो है अल्कली जो है, ये क्या अल्कली आपको मालूम है, यानी कि बेसिस के फॉर्म में कोई अल्कली बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अल्कली है, तो ये क्या हो जाएगा, रेड लिटमस से क्या हो जाएगा आपका, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, रेड लिटमस से क्या हो जाएगा आपका, जब टेस्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, लिटमस में एक क्वेश्चन ये भी है, जिंक लिबरेट हाइड्रोजन गैस, जिंक जो लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, डायल्यूट HCl के साथ करेंगे, वेयर एस ए कॉपर डज नॉट, और कॉपर वो रिएक्ट नहीं करता, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव। आपको अगर ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है 10th क्लास में आपने पढ़ी भी होगी, जैसे जहाँ पर क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, और ये क्या है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और फिर क्या होता है, जिंक होता है शायद, फिर से CpO, तो इस तरीके की जो टेबल होती है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये इसका कारण यही है कि जिंक मोर रिएक्टिव है, तो ये इसको रिप्लेस कर देती है हाइड्रोजन को, कॉपर प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन द रिएक्टिविटी, वो मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के ही है, इसलिए क्या होता है, जिंक जो लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस के साथ बैन रिएक्ट विद द डायल्यूट HCl। ठीक है, कॉपर नहीं करेगा। एक है कि सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न ब्लैक, आपने देखा होगा कि सिल्वर जो घरों में माता जी पहनती है वो भी ब्लैक हो जाता है फ्यू डेज में, जब आपने देखा कोई भी सिल्वर को, ऐसा क्या होता है, व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक। ठीक है, तो जो सिल्वर ब्लैक होती है वो इसलिए होती है, बिकॉज द सिल्वर रिएक्ट करती है सल्फाइड कंपाउंड से, सल्फाइड कंपाउंड से, यानी कि क्या होगा, हाइड्रोजन का कोई सल्फाइड होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगी H2 जो कि एयर में प्रेजेंट है H2S, और सिल्वर सल्फाइड AgS2, दिस इज द फिनोमेनन ऑफ कोरोजन, इसको बोलेंगे कोरोजन। ठीक है, टर्निंग्स ऑफ सिल्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो Ag2S होता है सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, ये सभी ICAR के पेपर में आई हुए क्वेश्चन है ये यहाँ से। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेयर, करेक्ट कौन सा हो? ओपेक डू नॉट अलाउ लाइट टू द पास फ्रॉम, ओपेक आपने देखा हो धुंधला धुंधला इस तरीके से देखता है, तो ये क्या होता है, ये लाइट को पास नहीं होने देता है, सही बात है, ओपेक ऐसा वो होता है कि इसमें लाइट पास नहीं होती है। ट्रांसलूसेंट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, ट्रांसलूसेंट जो होता है आपको दिखता भी है, तो ट्रांसलूसेंट अलाउ तो करता है पास को, वह कैसे करता है, पार्सली, कैसे करता है, पार्सली, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे आपके, करेक्ट हो जाएंगे। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आपको मालूम है 12 है, 12 ही, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो ऑप्शन से निकाल लो, 2as बराबर सबको पता है वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, ये जो है ठीक है, s s बराबर मतलब ये वाली कभी इक्वेशन होती नहीं है, ठीक है। वी फॉर फाइनल वेलोसिटी होती है, ये फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये एक्सीलरेशन होता है, at बराबर ठीक है, वी इक्वल टू at होता है ना, देखो वी इक्वल टू at प्लस यू, मतलब प्लस इस तरफ कर देंगे, ठीक है, ये मतलब वी इक्वल टू ये जो है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मतलब ये इक्वेशन होती है, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो सबको पढ़ाई है, ठीक है, ये इक्वेशन है। टाइफाइड, इसको टाइफाइड किससे होता है हमारा, बैक्टीरिया से, टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड कैसे है? ये जो होता है हमारा बैक्टीरिया से, ठीक है। वन मोल ऑफ कार्बन, वन मोल ऑफ कार्बन ऑफ एटम्स ग्राम, तो वो जो उसका वेट होगा अभी जो बताए थे, तो वो क्या होता है हमारा, एटम नंबर 12 है, ठीक है, तो वन मोल ऑफ कार्बन जितनी होगी जिसमें एटॉमिक नंबर है जैसे कार्बन का 12 है, ठीक है, 12 ग्राम होगा। ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इन हाउ मेनी किंगडम, आपको मालूम है 5 किंगडम में बटा हुआ है ये, ठीक है, ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है 5 किंगडम में बटा हुआ है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कोल्ड, यानी कि इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आपके मालूम कि ये हमारा क्या मालूम कि ये बर्फ है, बहुत होल्ड है, और ये क्या हो रहा है हमारे पास, सॉरी गर्म है, गर्म के लिए हम कुछ भी ले लो, मतलब हॉटर यानी कि गर्म से हम क्या कर रहे हैं, वार्म से हम क्या जा रहे हैं, कोल्ड पे जा रहे हैं, वार्म से यानी कि वार्म है उससे कोल्ड पे जा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को क्या है, कंडक्शन कहेंगे, कंडक्शन क्या कहेंगे, कंडक्शन, एवोपरेशन तो हो नहीं सकता है, रेडिएशन तो क्या होता है, रेडिएशन का मतलब ये क्या हो गया, जैसे कोई हीट है, कोई मग है या फिर लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इससे रेडिएट होकर ये क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी आपकी हीट होने लगेगी, ठीक है। तो कंडक्शन एक प्रोसेस है जो कि हम ये बोल सकते हैं हॉटर से हम क्या जा रहे हैं, कोल्ड में जाएंगे, ठीक है, उससे हीट ट्रांसफर हो जाएगी। हाउ मैनी मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन, आपको मालूम 3 पार्ट ही हैं आपके, हिंड ब्रेन, मेड ब्रेन, फोर ब्रेन, यही तो आपके तीन इसके मेजर पार्ट हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम रिलीज बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड वो है आपका क्या होता है, पेप्सिन, और आपको वाला है कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पूछा तो वो पेप्सिन है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पेप्सिन क्या होता है, वो प्रोटीन एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करता है और रिलीज करता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, रिलीज बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, साउंड इज स्पीड ऑफ साउंड इज स्टिल इज मोर देन द स्पीड ऑफ ग्लास, ठीक है, सही बात है। देखो सबसे ज्यादा होती है आपकी एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम में, फिर स्टील में स्थिति है, हमसे वो तो कंपेरिजन कर रहा है ग्लास से, सीधी बात है कि जो स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो क्या होगी, स्टील में ज्यादा होगी रेदर देन ग्लास में, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इज ब्रास इज मोर देन हीलियम, यानी कि हीलियम क्या एक गैस है, तो सीधी बात है कि ये जो है एक मेटल है, यानी कि इस तरीके जो सीरीज बनती है, जो सबसे ज्यादा जो है एल्युमिनियम में शायद 6432 कुछ है इस तरीके से, ठीक है, 6432 है ऐसी कुछ है, ठीक है। तो ये जो मेटल है, मेटल यानी कि ब्रास में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी देन हीलियम से, ठीक है, हीलियम से, तो ये भी बात सही है, ठीक है। आपको मालूम है साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, तभी हमको सुनाई नहीं देता है, ठीक है। क्या करते हैं, एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, एयर एक्सपेंड ऑन, अगर आप मान लो कि हीटिंग कर रहे हैं, जैसे आप ये मान लो कि आपके घर में कुछ पक रहा है, किचन में कुछ पक रहा है, अगर उसको हीटिंग ही तो दे रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या लिया है, चूल्हा लगाया हुआ गैस का, तो क्या हो रहा है, इसको हीटिंग करते हैं, तो आपको क्या हो रही है कि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो एक्सपेंड हो रहा है, सभी हमें किचन में जाने से पहले हमको क्या मिल जाती है, खुशबू मिल जाती है, ठीक है। द वार्म एयर हैवियर देन, देखो नहीं, वार्म एयर हैवियर क्या, क्योंकि वार्म एयर तो हल्की होती है, कोल्ड एयर हमारी क्या होती है, हैवी होती है, वार्म एयर इज हैवियर देन कोल्ड एयर, नहीं ये गलत है, यानी कि ओनली वन इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमसे बोलते हैं एसिड आर द सो टेस्ट, देखो कितना बेसिक पूछ लिया, और बेसिस आर हमारा क्या होता है, ये आपको मालूम है, बहुत बार बताता हूँ, पीएच लेवल में हमारे क्या होता है, एसिड का जो शेयर हमारा क्या इकट्ठा होता है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है एसिड की वो क्या होती है, बी से आर होती है, ब्लू लिटमस टू रेड करेंगे, और ये क्या होता है 7 न्यूट्रल होता है, और ये क्या होता है 0 1 से लेकर यहाँ पर ये क्या होता है मोर एसिडिक होता है, यानी कि, और इसमें ये बोल सकते हैं H+ का N का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इसके दर पर क्या होगा O+
OH के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। बेसिस जो हमारे क्या होते हैं, बेसिस हमारे क्या होते हैं जिसमें OH का आयंस ज्यादा होता है, और ये क्या होता है हमारा रेड लिटमस से ब्रू हमारा कन्वर्ट होगा। इनका सोर तो आपको पता ही है कि ये कड़वे होते हैं, ठीक है, और एसिड हमारा कैसा होता है, खट्टा होता है, सोर टेस्ट होता है, तो दोनों सही है, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है, पीएच वैल्यू से भी आपके क्वेश्चन बहुत जरूर आएंगे। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, याद रख लो ब्लीचिंग पाउडर जब भी याद है कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, टू लगाना है यहाँ पर, CaOHCl2 होगा, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, ठीक है, ये है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इसको रिप्रेजेंटेड कहते हैं। पीएच ऑफ लेमन याद रख लो 2.2, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है 2.2 ये जो है। और हमारा HCl का सबसे ज्यादा होता है 1 point something कुछ होता है, ठीक है, यानी कि 1 और 1.2 के बीच में जो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, 1.2, ठीक है। सल्फरिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है, जो बैटरियों में भरा होता है, आपने देखा होगा बैटरियों में भरा होता है, ठीक है, सल्फरिक एसिड, ठीक है, 2.2 लेमन, ठीक है। क्या बोला है हमसे, विच ऑफ द पैरामॉर्गेनिज्म करेक्ट, ठीक है। स्पाइगोरा क्या है आपकी, ये एल्गी है, अमीबा आपको पंगी कहां से दिख जाएगा, अमीबा तो कैसे भी नहीं सकता पंगी, स्पाइगोरा क्या हमारी एक एल्गी का प्रकार है। स्पाइगोरा क्या है हमारी, देखो ये क्या होता है, एक मेंबर ऑफ जीनस सम जो स्पेसीज है, फ्री फ्लोटिंग जीन ग्रीन एल्गी है, ठीक है, जिसको क्लोरोप्लास्ट पॉन्डिना, ठीक है। और ये फंगी जो होता है, फंगी जो होता है आपका क्या होता है, जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, ये अपना खादा खुद नहीं बनाता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, बस स्पाइगर द अनब्रांच चेन ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल्स। अमीबा आपको मालूम है कि अमीबा कैसा है आपका, यूनिसेलुलर है, ये बताने वाली चीजें नहीं होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब कि ये अब जो शेप को चेंज कर लेता है, इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है, एनसीईआरटी में, ठीक है। 1 kWh को कैसे बढ़ाते हैं, तो 3.6 × 10⁶, ठीक है, 1 kWh, ठीक है, 3.6 × 10⁶, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है किलोवाट आवर में, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज, पीएच सॉल्यूशन ऑफ ए साल्ट इज 4.5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको मालूम है, देखो अब आपको मालूम है कि पीएच उसने दे दिया 4.5 है, तो सीधी बात है ये कि ये एसिडिक होगा पहली बात तो, ठीक है। अब क्या होगा, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, बिल्कुल हो सकता है भैया, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कैसे कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस तो हम बोल ही नहीं सकते, स्ट्रॉन्ग बेस तो हम बोल ही नहीं सकते। अभी बता के आया हूँ पीछे भी कि ये 7 है, यहाँ पर 6 पाई, ये है जो हमारी, ये क्या होगी हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकती है, इट इज ए साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और वीक एसिड तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता ये, ठीक है। और क्या बोल रहा है हमारा, वीक एसिड इट इज ये, ठीक है, विच ऑफ द ट्रू, ठीक है, सॉल्ट है जो हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, एक वीक बेस हो सकता है, ठीक है, ये जो है एक इसका दे दिया और कॉम्बिनेशन दे दिया एक साल्ट का कि 4.5 है, इसको बताओ। वैसे इसको स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कह सकते हम, वीक एसिड तो कह सकते हैं पर, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं कह सकते इसको। स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि ये जो जाएगा यहाँ पर 7.3 या 6 point something कुछ जाएगा, तब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ही इस पर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की जो परिभाषा 3 point something कुछ कहते हैं, ठीक है, इट इज़ ए वीक एसिड, वीक एसिड तो हो ही नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस तो कभी हो ही नहीं सकता, बेस तो कभी, स्ट्रॉन्ग बेस वाले तो हटा ही दो, स्ट्रॉन्ग बेस वाले हटा दो, ठीक है। तो हमारा वीक एसिड ये हो नहीं सकता, तो हमारे पास एप्रोप्रिएट आंसर यही है कि ये साल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक है, ठीक है। हमसे बोला है कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है टर्पनाइन का ऑयल का, और ये इसका ये है, ठीक है, ये लाइट ट्रेवल करती है हमारी टर्पाइन ऑयल टू वाटर, ठीक है, वाटर का हम पहले लेंगे यानी कि वाटर का ऑयल, वाटर का लेंगे यानी कि 1.427, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में जाएगी, टर्पाइन टू वाटर के रिस्पेक्ट में जा रही है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट इसका इसका वो निकाल देंगे हम, फिर क्या हो जाएगा, देखो अब ये जा कैसे रही है आपकी, देखो अब ये क्या होती है, देखो आपको मालूम है कि अगर डेंसर टू रेयर जाएगी, मैंने क्या बोला डेंसर टू डर याद कर लो, डेंसर टू रेयर जाएगी तो वो क्या हो जाएगा हमारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, डेंसर टू नॉर्मल जाएगी तो ये क्या कह रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फिर अगर रियर टू डेंसर जाएगी तो रियर टू डेंसर जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा टूवर्ड द नॉर्मल आएगी। तो ये तो हमारे पास ये को ये हमारे पास ये है तो इससे कहाँ से जा रही है, ये यहाँ से जा रही है, तो ये क्या डेंसर टू नॉर्मल अवे फ्रॉम जा रही है, अवे फ्रॉम अभी जाएगी कितने, इससे डिवाइड कर लो। अब इससे डिवाइड कैसे करेंगे हम, डिवाइड हम ये करेंगे, सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये क्या है ऑयल का हमको क्या दे रखा है वाटर का, इसके रिस्पेक्ट में तो ये आएगा ना कि 147/133, क्योंकि हमको जाना है लाइट ट्रेवल कर रही है यहाँ से टर्पाइन ऑयल का, टर्पाइन ऑयल जो है उसका हमारे पास क्या है 1.3 1.47 है,
टर्पाइन ऑयल का सेकंड पे रिस्पेक्ट हो दिया है ना। हाँ, तो 1 पॉइंट टर्पाइन ऑयल से कैसे जा रही है, वाटर वाले इंडेक्स में जा रही है, ये वाटर हो गया ठीक है, वाटर वाले इंडेक्स। तो इससे डिवाइड करेंगे, 2 0 0 हटा लिया, अब हम लगभग ले लेते हैं इसको, 133 का डिवाइड कर लो 147 में, 147 में। तो देखो देखो ये जो है 1 से तो बिल्कुल ही नहीं आ रही हमारी, ये जो है 1 से नहीं, यार हमने गलत कर रहे हैं, रुको रुको रुको, हम जा तो पहले से, ये देखो जो लास्ट में होता है ना हमारा, जो लास्ट में होता है, जैसे ये क्या किया देखो मैंने तो ऐसे याद किया था, जैसे गिलास टू वाटर है, हम जो है गिलास टू वाटर है, तो ये जो है इसके रिस्पेक्ट में देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे वाटर एंड में आ रहा है तो वाटर को पहले लेना है, ऐसे याद रखना है आपको। तो टर्पाइन और वाटर है, जैसे टर्पाइन और वाटर है, ये टी डब्ल्यू मान लो, टर्पाइन से वाटर में जा रहा है, तो जो लास्ट वाला है ना इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको पहले लेना है। तो वाटर का क्या है 3 पॉइंट, अब इसको डिवाइड लगा दो बस, तो ये क्या आएगा 147 डिवाइडेड बाय 133 ठीक है। तो देखो एक से कम तो वैसे ही हो रहा है, तो पॉइंट लगाएंगे तो 10 और लगा दो, 147 9 से ही जा रहा ही होगा, फिर तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा ही है, वो 1 से नहीं जा रहा, तो ये 9 पॉइंट समथिंग को जा रहा होगा, तो यानी कि 0.9। और ये जा कैसे रहा है, अभी फ्रॉम द नॉर्मल, अभी फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या बोला है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सेटअप फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर करेंगे। देखो इसमें कैथोड और एनोड का बात होती है, कि कैथोड पे क्या आएगा, एनोड पे क्या आएगा, प्योर जो सिल्वर आती है वो एनोड पे आती है, और इम्प्योर सिल्वर जो इलेक्ट्रोलाइट की वो आती है AgNO3 आती है, याद रख ले इसको। देखो कैथोड पे क्या आएगी, कैथोड, कैथोड पे क्या आएगी हमारी, प्योर आएगी ठीक है, और एनोड पे क्या आएगी, एनोड क्या होता है हमारा, इम्प्योर आएगी, क्यों इम्प्योर आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि एनोड क्या होता है ऐड करता है, यानी कि पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगी, इसको नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, कैथोड क्या होती है हमारी नेगेटिव है, तो ये प्योर को अट्रैक्ट करता है, इस तरीके से याद कराया जाता है ठीक है। एनोड यानी कि ऐड करना, ये मान लो ऐड करना, अब ऐड प्लस है तो इम्प्योर को ही अट्रैक्ट करेगी क्योंकि नेगेटिव है ठीक है। तो हमारा, हमारे पास क्या आएगी, कैथोड पे क्या आएगी, कैथोड हमारा नेगेटिव है तो प्योर आएगी इस पर, प्योर आएगी, प्योर सिल्वर जो इस पर आएगी वो आएगी इस पर, और जो इम्प्योर सिल्वर है AgNO3, AgNO3 सब में ही बच रहा है, वो तो आपको पता ही है, पर यही भूल जाते हैं ना कि इम्प्योर बचेगी प्योर होगी, तो आपको याद रख लेना है, कैथोड यानी कि नेगेटिव होता है, एनोड यानी कि क्या होता है, ऐड करना, ऐड करना, और ऐड क्या करता है, ये अपने अट्रैक्टिव वाले को, चले यानी कि अपोजिट वाले को ऐड करता है, यानी कि इम्प्योर को, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव को करेगा भाई साहब ये ठीक है। तो यही होता है, ऐसे याद रख लो इसको ठीक है। हमसे पूछा है कि एक ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर एट फोकस, फोकस पर रख दिया है ठीक है, मिरर एट फोकस द इमेज फॉर्म। देखो अब आपको मालूम है, जब फोकस पे होगी, हमारी फोकस पे होगी, तो वो कैसी बनती है, एनलार्ज इमेज बनती है, पहली बात तो याद रख लो, हाईली एनलार्ज है, तो एक ही ऑप्शन है पहली बात तो, और हाईली एनलार्ज तो बनती है पर, लेकिन इन्वर्टेड बनती है इमेज। देखो क्या होता है हमारा, ये जो हमारा ये है ठीक है, हमने रखा हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस ऑन द कॉनकेव मिरर एट फोकस, फोकस पे ही रख दिया हमने ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये रख दिया, तो ये जो क्या मिलेगी, ऐसे मिलेगी, तो एनलार्ज इमेज बनेगी हमारी, इमेज बनेगी पर लेकिन उल्टी बनेगी, उल्टी बनेगी, यहाँ से कोई भी एक और सोर्स होगा हमारा, और भी कोई इससे आ रहा होगा, ये यहाँ से भी आ सकता है इनसे, तो जब वो टकराएंगे यानी कि ये जो है यहाँ पर वो क्या बनेगी, एनलार्ज बनेगी। ये मैंने फिगर सही नहीं बनाया यार, याद रखना इसको ठीक है, इसको हटा देता, तो ये जो जहाँ पर दो इंटरसेक्ट होंगी तो एनलार्ज बनेगी, बड़ी लार्ज बनेगी पर लेकिन क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी। तो याद रख लो ये, देखो 6 केसेस हैं, आपको बता दूं, देखो पोल और फोकस के बीच में, अब आपको क्या चाहिए, पोल और फोकस के बीच में क्या होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगी ठीक है ये। और देखो एक ही केस बनता है हमारा इसमें, वैसे तो रियल और इन्वर्टेड बनती हैं, और पोल और फोकस में एक वर्चुअल वाला बनती है पर मैग्नीफाइड बनेगा वो ठीक है, यही है। और एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी कि सी पे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो सेम साइज बनती है पर लेकिन इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज बनती है इन्वर्टेड बनती है, रियल बनेगी इन्वर्टेड सेम साइज ऑब्जेक्ट, ये वाला केस बहुत बार पूछा जाता है ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। और पॉइंट साइज फोकस पर रख देंगे तो पॉइंट साइज पूछेंगे ठीक है, फोकस पर रख रहे हैं ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल रिएक्शन इज ट्रू, तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, आयरन ऑक्साइड है एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, देखो अब ये क्या हो रहा है, आयरन ऑक्साइड क्या टू था यानी कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आयरन ऑक्साइड, यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो एजेंट है बीच का जो काम करता है वही चीज हो रहा है यहाँ पर ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग करंट कैरिंग कंडक्टर
मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इट इज अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट, बिल्कुल सही है भैया, परपेंडिकुलर ही रहता है हमेशा, आपने देखा होगा वो फिंगर बनाया भी होगा, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, इट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर जब करंट के भी है और मैग्नेटिक फील्ड के भी है। इट इज फाउंड विद द राइट राइट हैंड थंब रूल नहीं लगता है इसमें, लेफ्ट हैंड थंब रूल लगेगा, जब भी याद करना फोर्स की हमको डायरेक्शन निकालनी। राइट हैंड थंब रूल किसमें लगता है, जनरेटर में, पावर में, जनरेटर में लगता है राइट हैंड थंब रूल, याद रखना, तो दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है। हमसे पूछा है एक ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर का, प्लेस्ड एट द अरेंज एट द डिस्टेंस ऑफ टी, फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ हमको दे रखी है, प्रिंसिपल एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वी का क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी का क्या हो जाएगा, देखो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ है, यू दे दिया हमको माइनस का 45 मान लो, ठीक है, एफ हमको क्या दे दी 30 मान ली, हमको क्या निकालते हैं, वी निकालते हैं, तो वी निकालने के लिए वही चीज़ करेंगे, वन अपॉन एफ, यानी कि ये क्या हो जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा वन अपॉन 45 और प्लस का वन अपॉन बी, ठीक है, ये हो गया माइनस का वन अपॉन 30 प्लस वन अपॉन 45, ठीक है, और ये क्या हो गया वन अपॉन बी, ठीक है। हमने एलसीएम ले लिया, इनका क्या एलसीएम ले, 90 ले लें, 90 ले लेते हैं, तो ये 3 से कट जाएगी, 30 थी 90 और ये क्या आएगी 45 दूनी 90, सॉरी मतलब ये आएगी 30 थी 90, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 1/90, ठीक है, एक ही तो बचेगा, तो वन अपॉन बी, बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 90, बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस का 90। अब हमसे क्या कर रहा है, देखो मैग्निफिकेशन ये क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और ये क्या होता है हमारे माइनस का बी अपॉन यू होता है, हमको क्या निकालनी है, तो बी है हमारे पास, बी तो आ गई माइनस के 90, ये तो हो गया हमारा, अब हमको ये इमेज निकालनी है कि इसकी जो हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हमको निकालनी है, एच वन तो नहीं, ऑब्जेक्ट की हाइट हमको कितनी दी है 3 दे रखी है, ठीक है, माइनस का 90 तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 90 हो जाएगा बी, और यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 45, तो 45 तो एक नेगेटिव ही है ये, तो 45 दूनी 90, तो इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारे पास 6 आ जाएगी, वही माइनस में आएगी, याद रखना, ठीक है, तो ये आंसर इस तरीके से आएगा। हमसे क्या बोला है, यू आर गिवन टू लिक्विड मिक्सचर ए, वो एक्स एंड वाई बोथ अपीयर द होमोजीनियस, होमोजीनियस है, बिल्कुल होमोजीनियस है, बट एक्स डस नॉट स्कैटर, एक्स हमारा स्कैटर यानी कोई पार्टिकल्स नहीं करता लाइट, वेयर द वाई स्कैटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देखो एक्स क्या होगा हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, कोई स्कैटर्स नहीं है, पूरा ट्रू सॉल्यूशन है यहाँ पर, और वाई क्या होगा कोलाइडल होगा उसमें पार्टिकल्स बच रहे होंगे, यानी कि हल्के पार्टिकल उस पर जब लाइट से करेंगे वाई से स्कैटर्स, तो वाई क्या होगा कोलाइडल हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन होता है जिसमें कोई भी स्कैटर्स नहीं होते हैं, वाई हमारा क्या होगा कोलाइडल होगा, ठीक है। हमसे पूछा है मेंडल क्रॉस द ऑल टी प्लांट शॉर्ट प्लांट द प्रोगेनी एफ वन प्लांट हैड डिसिमिलर फैक्टर एलाइट्स डिटरमाइन द हाइट ऑफ द प्लांट, तो इन्होंने क्या किया था 100% इसके रिजल्ट आए थे। देखो आपने माना होगा कि एक डोमिनेंट और रिसेसिस यहाँ पर चलता है, तो जैसे ये लिया था हमने टी और क्या लिया था और आर लिया था, ठीक है और यहाँ पर क्या लिया था हमारा टी, जैसे टी से टी मल्टी करेंगे तो ये क्या आएगा टी, और ऐसे टी और आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टी आएगा, तो एक ही एक आगे बनता है रिसेसिव फैक्टर, इस तरीके से उन्होंने टी टी आर आर इस तरीके से किया था, ठीक है। प्राइमरी रीजन स्मोकिंग सिगरेट इज बैड फॉर आवर हेल्थ सिगरेट स्मोकिंग, तो ये क्या होता है, ये सिलीस होती है, सिलीस होती है इस तरीके की, हमारी बॉडी में बहुत सारी सिलीस होती है जो फूड को अब्जॉर्व करती है, तो अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रेस्ट में वो क्या करती है मतलब किल करती है, सिलीस को क्या करती है वो किल करती है, किल द सिलीस, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, वेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पासड टू द लाइम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक है लाइम के साथ करेंगे, वाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म, वेन डिसॉल्व ऑन पासिंग द एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, तो वाइट डिसॉल्व कंपाउंड वो कंपाउंड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यही तो बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जिंक मेटल लिबरेट हाइड्रोजन और रिएक्ट, देखो अभी पीछे करा के आया हूँ कि जिंक लिबरेट हाइड्रोजन को लिबरेट करता है HCl के साथ, बट हाइड्रोजन गैस नॉट लिबरेट विद द जिंक नाइट्रिक एसिड विच इज द रीजन, क्या हो जाएगा नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस फॉर्मेट इन रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा वो बोल रहा है कि जिंक मेटल लिबरेट करता है हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विच HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, बट हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेट, बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस इसमें रिएक्ट लिबरेट नहीं होगी, ठीक है। When zinc is reacted with nitric oxide, what is the reason for observation? तो nitric oxide जो होता है hydrogen का format करता है इसमें, क्योंकि nitric के oxide क्या हो जाते हैं formation हो जाता है।
विच ऑफ द ऑर्गेनेल नॉट ए बॉन्डेड बाय मेंबर, तो राइजोसोम्स क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनेल से बॉन्डेड कोई मेंबर नहीं है। न्यूक्लियस, लाइजोसोम, गॉल्गी अपारटस, ये सब क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनेल से मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, पर लेकिन है ना राइजोसोम्स हमारा नहीं बनाता है, ठीक है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इवोल्यूशन या होमोलॉजी बोल सकते हैं, आपने ट्रेवल भी देखा होगा कि किस तरीके से इवोल्यूशन है, ठीक है, मॉडर्न सिस्टम में। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द थायरॉक रीजन, थायरॉक ग्लैंड में आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है, पैराथायरॉयड है, आपने देखा थायरॉयड यानी कि जो गले के पास होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी मेजर, देखो रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की कैसे मेजर करेंगे, तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसको बोलते हैं स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर, इससे हम क्या करते हैं मेजर करते हैं स्पायरोमीटर से, ठीक है। बोरोमीटर से तो प्रेशर नर्व यूज करते हैं, वर्नियर, वर्नियर कैलिपर होता है उससे गेज नापते हैं, आपने देखा होगा शटर वगैरह उसका, ठीक है। बेच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डीकम्पोज, डीकम्पोजिशन में क्या होगा, जैसे हमारे के पास आपके पास कोई प्रोडक्ट है ए बी, अब ये टूट जाएगा ए प्लस बी में, ये डीकम्पोजिशन हो गया, ए प्लस बी अगर ए प्लस बी कॉम्बिनेशन होगी तो हमारी क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है, ये हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दे जाएंगे, और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से रिएक्शन भी और भी बन जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ द सर्कुलेटर सिस्टम, आरबीसी ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ट्यूब्स, भैया कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे तो एस्थेसी हो जाएगी, ओनली आरबीसी ये बोला कि ओनली आरबीसी ट्रांसपोर्ट, वैसे क्या होता है आयरन इसके साथ होता है और प्लस में ऑक्सीजन होता है, आरबीसी ट्रांसपोर्ट जो करती है ऑक्सीजन और आयरन साथ में करती है। द प्रेशर ऑफ ब्लड सर्कुलेटर इंक्रीज और डिक्रीज विद द सर्विस, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गेनेल, और ठीक है प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजन बेस्ड फ्रॉम द बॉडी, प्लाज्मा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है नाइट्रोजन बेस्ड, वो किडनी के थ्रू निकलते हैं, सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन है, बिल्कुल सही बात है भैया, मैग्नेटिक फील्ड के पास तो डायरेक्शन भी है और करंट मैग्नीट्यूड भी है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड ए बार मैग्नेट इज द साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ होता है, एनएसए बोल सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आता है क्लोज लाइन, सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन्स होती है हमारी क्या होती है क्लोज लाइन होती है, इस तरीके से क्या होती है क्लोज लाइन होती है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप अपनी तैयारी को चुरुस्त रखें, दुरुस्त रखें, मेहनत करते रहें।